हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस वेरियस एग्जाम्स लाइक SBI PO के लिए रहता है, RRB क्लर्क के लिए रहता है, RRB PO के लिए रहता है, RBI असिस्टेंट के लिए रहता है। तो मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चंस जो भी इतने सालों से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस ली हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन का फॉर्मेट मे भी अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही है। तो देर आर फाइव जनरेशंस, फिफ्थ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1946 टू 1958 है, सेकेंड जनरेशन जो है 1959 टू 65 तक है, थर्ड जनरेशन जो है 65 टू 71 तक है, फोर्थ जनरेशन जो है 71 टू 80 एंड फिफ्थ जनरेशन 1980 टू प्रेजेंट। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करना शुरू किए थे, फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI एंड फिफ्थ जनरेशन जो कि AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किए हैं। मेन पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। तो फायरवॉल जो है वो प्रोहिबिट करता है अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। अ डिवाइस नीडेड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीफोन लाइन्स, द आंसर इज मॉडेम। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं मॉडेम को। तो मॉडेम यूज किया जाता है यूजिंग द टेलीफोन लाइन्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। So this is one device, modem. What is the dash dash is a collection of web pages and it is the very first page that we see an opening of a website. So website is a collection of a web pages and after we go to the particular website we'll see the first home page. What is GUI? GUI is a software interface which is a graphical user interface. Which one is generally used in a banks to process the checks? MICR, magnetic ink character recognition. तो basically ये use होता है banks के check में for recognizing the magnetic encoding numbers which is printed at the bottom of the check. The main computer in a network is called as a host processor. Dash dash is another pointing device which is alternative to mouse. तो mouse को alternative कौन सा है? Trackball. In which of the following errors are displayed for every instruction? The answer is interpreter. देखो interpreter और compiler, इन दोनों में difference यही है कि interpreter जो है वो source code को line by line check करते जाता है और कंपाइलर जो है द होल सोर्स कोड जो है वो एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल एज इनपुट एंड नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। ऑब्वियसली मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करते जाता है। एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एरर्स आते जाते हैं। तो देखो मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे मैंने दी हूँ। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम इन टू अ सिंगल लाइन एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर विच इज अ वेरी फास्ट एंड कंपेयर टू कंपाइलर इंटरप्रेटर इज वेरी स्लो। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, इट टेक्स मोर टाइम, इट इज मोर इफिशियंट, इंटरप्रेटर इज लेस एफिशियंट एंड कंपाइलर आर लार्जर इन साइज एंड इंटरप्रेटर्स आर स्मॉलर देन कंपाइलर। Software such as viruses, worms, Trojan horses that has malicious intent is known as malware. इसको बोलते हैं malware. These are the viruses which are triggered by passage of time or on certain date, called as time bombs. The first computer virus is Creeper virus. ये first computer virus है जो 1971 में develop हुआ था. Normalization is a process of restructuring a relation to minimize duplication.
तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं कि डुप्लीकेसी जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड ओनली वंस. वॉट मीन्स दैट डेटा कंटेंट इन अ डेटा बेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल. तो डेटा बेस में जो डेटा है वो एक्यूरेट और रिलायबल जो है उसको क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं. वॉट इज विच इज अ डेटा बेस इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्म ऑफ ट्रीज विद द नोड्स. द आंसर इज हायरार्की डेटा बेस. इट इज अ डेटा बेस विच इज द डेटा इन इज ऑर्गेनाइज इन टू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड द डेटा इज स्टोर्ड एज अ रेकॉर्ड्स विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर. एंड वॉट इज द रेकॉर्ड, रेकॉर्ड इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ फील्ड विथ ईच फील्ड कंटेनिंग ओनली वन वैल्यू. लॉजिकल स्कीमा इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस डेटा. तो बेसिकली लॉजिकल स्कीमा जो है वो बिजनेस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए है. लॉजिकल स्कीमा इज अ डिजाइन सेंटर्ड डेटा बेस विच इज यूज फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड द मॉडल कैन बी ड्रॉन मैन्युअली और यूजिंग ड्रॉइंग टूल. वॉट इज DBMS? DBMS इज नथिंग बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज डिजाइन टू स्टोर कलेक्शंस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. हियर वी कैन एग्जीक्यूट सेट ऑफ कमांड्स ऑफ अ प्रोग्राम्स टू एक्सेस एड मॉडिफाई अपडेट डेटा. SQL क्वेरीज भी यहीं पे यूज होता है DBMS में. SQL जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज समटाइम्स दे विल आस्क इन एग्जाम. What is OS? OS is an operating system which manages the computer's hardware, software resource and other common services for the computer program. So basically operating system jo hai software aur hardware dono ko manage karta hai. To operating system kaun se hai, jaise ki Windows 7 hai, upgrade karne ke baad Windows 10 aaya, uske baad 11 aaya, aisa. To these are the operating systems. Linux bhi operating system hai. Which of the following places the common data elements in the DBMS orders from smallest to largest? Smallest to largest. First will be the character, second will be the field, record, file, database. यही same अगर मैं digits के बारे में बात करूँ तो first जो है nibble आता है. Nibble जो 4 bit का रहता है, 4 bit. उसके बाद byte. ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ 8 बिट निबल के बारे में. ओके, तो निबल इज अ स्मॉलेस्ट बाइनरी डिजिट. इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार टोपोलॉजी. यू कैन सी द इमेज. स्टार टोपोलॉजी एक सिंगल नोड को बाकी के सारे नोड्स जो है कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी. तो मेश टोपोलॉजी जो है, दिस इज द मेश टोपोलॉजी. दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी हैज एटलीस्ट टू नोड्स एंड देयर आर टू और मोर पाथ्स बिटवीन देम. एटलीस्ट टू नोड्स, एक नोड को एटलीस्ट दो नोड तो कनेक्ट रहते ही रहते हैं और उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, तो एक दो पाथ तो आराम से उनको रहते हैं. व्हाट इज द बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी इट इज अ सिंगल लाइन to which all nodes are connected and nodes connect only to the bus. Ring topology के बारे में अगर बात किए तो ring topology यहाँ पे है. In ring topology every node has exactly two branches connected to it. तो ring topology में दो nodes connected रहते ही है. The ring breaks and cannot work if one of the nodes of the ring is fail. ट्री टोपोलॉजी में मेनी कनेक्टेड एलिमेंट्स आर अरेंज लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. एक क्वेश्चन आराम से पूछते हैं. दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस. इसमें भी आराम से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्स्ट विल सी द रिपीटर. इट इज यूज टू जनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वायरलेस ऑप्टिकल सिग्नल्स. रिपीटर, तो बेसिकली रिपीटर इस चीज के लिए यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल्स. नेटवर्क स्विच, इट इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस विच जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स वाया सिंगल
लैन, लोकल एरिया एरिया नेटवर्क। नेटवर्क हब, इट इज अ स्मॉल नेटवर्क डिवाइस, इट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। तो एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए नेटवर्क हब यूज किया जाता है। नेटवर्क ब्रिज, इट रीड्स द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ डेटा पैकेट्स टू टेल वेयर द मैसेज इज गोइंग एंड इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन अदर नेटवर्क सेगमेंट्स। नेटवर्क राउटर, दिस डिवाइस इंटरफेसेस इन डिफरेंट नेटवर्क्स हुज टास्क इज टू कॉपी पैकेजेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एंड वॉट इज द मॉडेम, मॉडेम इज अ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन विच कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इंटू एनालॉग सिग्नल्स। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग सिग्नल डिग्रेड, यू वुड यूज रिपीटर। तो रिपीटर हम इस चीज के लिए यूज करते हैं अगर हम लोगों को नेटवर्क की लेंथ जो है वो एक्सटेंड करनी है विदाउट डिस्टर्बिंग द सिग्नल, देन रिपीटर वी कैन यूज। Where does the encryption description of the data takes place in the OSI model presentation layers? तो OSI क्या है? Open System Interconnection, जिसमें सात layers रहते हैं। Physical layer रहता है, data link layer रहता है, network layer रहता है, transport layer रहता है, application layer रहता है, presentation layer रहता है, session layer रहता है। तो presentation layer जो है वो last का layer नहीं। सिक्स लेयर रहता है प्रेजेंटेशन लेयर, तो उसमें एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है वो होता है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस? इट इज स्प्रेडशीट। What is the computer hardware? Computer hardware is the component of a computers which we can touch and feel physically. तो उसमें hardware में जिस चीज को हम physically touch कर सकते हैं computer के components को वो hardware होता है। उसमें आता है CPU आ जाता है, motherboard आ जाता है, keyboard आता है, mouse आता है, monitor आता है, printer आता है, speaker आता है, UPS भी आता है, uninterrupted power system service। Motherboard, which is a circuit board that contains IC sockets and slots. CPU is the heart of the computer and peripherals of the CPU, which is keyboard, mouse, monitors. What is the computer software? Software is a collection of instruction and data which gives the instruction to the computer. What is the system software? System software which manages computer hardware behavior and it provides basic functionalities which are required by the users and the proper running of the other software. तो system software में आ जाता है operating system, other device, drivers. What is utility? Utilities are computer programs which are designed to help users to maintenance of their computers. What is application software? इसके बारे में एक question रहता है application software. शायद ऐसे पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क, मेन इसका काम वही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखो एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पीपीटी आती है। तो ओके लेट मी टेल, देर आर जनरल सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्क, एक्सेल that are either pre-installed in a computers or can be installed when the need arises, like video editors. These are the application softwares. The database language which allows you to access or maintain the data. तो आपको access और maintain data database में कौन allow करता है? DDL, database definition language. तो इसमें हम without देखो देर आर टू टाइप्स, DDL, DML. DDL जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आप खुद डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, DDL में आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे आप सिर्फ एक क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो लिखा है, DDL इज यूज बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन द स्कीमा। These are the schemas, create, alter, drop. DDL used to signify the conceptual schema. And these are the schemas, create, alter, drop, comment, rename.
DML it is used for by the database user to manipulate the data in the database. It performs the insert, delete, update in the database. तो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपने सिर्फ स्कीमास क्रिएट कर सकते हो या फिर डिफाइन कर सकते हो, डीएमएल में आपने एक्चुअल डेटा जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हो, और उसमें क्या क्या आता है, सिलेक्ट आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है, मर्ज आता है. ओके, अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज, इट इज हैकर. What is the name of the virus that fool user into downloading and executing them by pretending to be a useful application? It's Trojan Horse. तो Trojan Horse एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर को फूल बनाता है, which claims to rid your computer of viruses, but instead it introduces new viruses onto your computer. Trojan Horse pretends to be a useful, helpful application, but actually harms the computer and it gives malicious user control, remote control over the infected computer. What is the primary difference between the virus and worm? So, virus or worm, both are same, but worm self-replicate the viruses or virus nahi karta. Computer worms are similar to the viruses as they replicate functional copies of themselves and it causes same type of damage to the system, but in contrast to the virus which actually requires spreading of an infected host file or system, worms are standalone software and it does not require a host program or human help to propagate. So basically computer worms jo hai wo virus ke jaisa hi hai, they replicate their functional copies. तो वर्म्स में बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है, वायरस में रहता है. दोनों का काम भी है सेल्फ रेप्लिकेट करना. डैश डैश इज अ फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग विच अ वेब सर्विस अलाउज सब्सक्राइबर टू ब्रॉडकास्ट शॉर्ट मैसेजेस टू अदर सब्सक्राइबर्स यूजिंग द सेम सर्विस. इट इज कॉल्ड एज माइक्रो ब्लॉगिंग. इट इज अ फील्ड इन अ वेब ब्राउजर दैट यूज टू लोकेट अ वेबसाइट एड्रेस बार. तो कभी भी अगर ये पेज है तो यहाँ पे एड्रेस बार बोलते हैं, तो हमने एक बार यूआरएल डाल दिया यहाँ पे, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. आफ्टर टाइपिंग यूआरएल इनटू द एड्रेस बार एंटर क्लिक एंड द होम पेज ऑफ द साइट गेट्स डिस्प्लेड, बट इफ द यूआरएल ऑफ द स्पेसिफिक पेज और डॉक्यूमेंट इज एंटर्ड देन दैट आइटम गेट्स डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ दैट होम पेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेस फील्ड और यूआरएल बार. वॉट इज यूआरएल? यूनिवर्स resource locator. What does dots per inch measure? Dots per inch, it refers to an output resolution of a printer or image setter. Pixels per inch refers input resolution of a photograph or image. What is the full form of MAN? Metropolitan Area Network. It is a larger network that covers certain area, village and several building. Other नेटवर्क्स आर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग में या स्कूल में वगैरह ये जो नेटवर्क रहता है उतना कवर कर सकता है. मैन एक सिटी, एक सर्टेन एरिया विलेज और सेवरल बिल्डिंग्स. और एक है वैन. वैन के बारे में बताओ तो वाइड एरिया नेटवर्क है ये. इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है कंपेयर टू मैन. और एक है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ब्लूटूथ वगैरह इसमें आता है. इट इज अ कंपाइल्ड इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डिजाइन फॉर द बिजनेस यूज, दैट इज कोबोल. बिजनेस यूज के लिए यूज किया जाता है बिजनेस यूज. फोर्ट्रान जो है ये न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग मैथमेटिकल यूज के लिए फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज होता है. फॉर्मूला ट्रांसलेटर आई थिंक यस. The term B in a COBOL language used for record keeping and data management. It stands for Common Business Oriented Language. It is the second oldest high-level programming language after Fortran, and it is particularly popular for business applications that run on large computers. A cookie is, it stores the information about the user's web connectivity.
डैश डैश इट अ नेटवर्किंग डिवाइस विच फॉरवर्ड्स द डेटा पैकेट्स बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो राउटर, राउटर इज अ डिवाइस वेयर द डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड होते हैं. इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट. इट्स प्रोटोकॉल. विच फंक्शन इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल. कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव सर्किट. तो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, माइक्रोवेव सर्किट्स, ये तीनों भी. विच इज द मेथड इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग रिटन एंड जनरेटेड कोड्स दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट सीक्रेट. इट्स क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी एंड यस. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is an appearing on web page, opens another document when clicked. It's hyperlink. Hyperlink के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है. DSL, it is an example of, first of all DSL, what is DSL? Digital Subscriber Line. It is a range of high speed communication service broadband used for bringing high bandwidth information at home and small businesses over the copper telephone lines. A set of rules that computers on a network use to communicate with each other called as a protocol. What is the most important computer in a typical network? Obviously it's network service server. The network server jo hai wo bahut zyada important hai computer ke typical network mein. What is the shortcut key to close currently open document in a Microsoft Word? It's Control W. तो अलग अलग है. और Control P जो है वो printing के लिए है. Control B जो है वो word, particular word को bold बनाने के लिए. Control plus U, that word gets underlined. Control just J, it is to justify the paragraph. और क्या है? ओके, कंट्रोल एस जो है सेविंग के लिए है. तो ओके, मैं आगे फिर से बताऊंगी. रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड्स, व्हाट दीज आर कॉल्ड एज डेटा. यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेसिंग F7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक कंप्यूटर्स व्हाइल कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रैकिंग द कंप्यूटर. और इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए सोर्स एड्रेस भी चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस भी इंक्लूड रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंप्लेक्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पीकर. ये तीनों भी सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है. सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन, only in one direction. And walkie talkie के बारे में बताओ तो ये half duplex है. even though two way communication है but until एक बात करेगा उसके बाद ही second वाला जो signal है वो मिलेगा, तो इसको बोलते हैं half duplex. तो और full duplex जो है both direction transmission जो है वो simultaneously हम लोग transmit कर सकते हैं signal full duplex में. What is the maximum number that each of the four parts of an IP address can have? 255, it should be 255. So this is the format where XXX can be any number from 0 to 255. Each of these number are stored in 8 bits and the number of possibilities you can have is 2 raised to power of 8. 2 raised to power of it. Who translates the semantic instructions developed by programmers into the machine language? It's assembler. The computer's capability of distinguishing spoken words is called as a voice recognition. What is Chrome? Chrome is an application software. It is a browser. Or browsers kaun se? Mozilla Firefox hai. Internet Explorer tha, abhi usko Microsoft Edge kiye hai. और कौन से है, क्रोम हुआ, ओपेरा है, सफारी है. सो दीज आर सम ब्राउजर्स. व्हाट इज द एक्सिस टाइम?
Access time, it is a time taken by the memory for storing and retrieving the piece of data. तो एक piece of data को store करने के लिए या फिर retrieve करने के लिए क्या time लगता है उसको बोलते हैं access time. What is the term used to denote the reputation of data in DBMS? DBMS is database management system. तो reputation को denote करने के लिए नाम है redundancy. What is the name of the portal in a computer which allows additional devices to connect? तो additional devices अगर हम लोगों को कंप्यूटर में add करना है तो इसको बोलते हैं peripheral devices. तो peripheral devices में आता है speaker आता है, monitor आता है, keyboard आता है, mouse आता है. तो these all are the peripheral devices which connects to the computer system to add the functionality. Which is the non-volatile memory? Non-volatile मेमोरी जो है रॉम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम रॉम? रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज, रॉम इज अ परमानेंट स्टोरेज. इट स्टोर्स द डेटा इन एमबीज रैम एंड रॉम स्टोर्स द डेटा इन जीबी. रैम इज अ वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स एक बार करंट अगर गया, पावर गया, तो इसका जो डेटा है वो सब कुछ जाता है रैम का. रॉम इज नॉन वोलाटाइल. It is used in normal operations RAM and it is used for startup process of the computer. Which of the following layer is responsible for converting electric impulse to bit streams? It's physical layer. देखो OS है जो है open system interconnection है, इसमें आते हैं सात layer आते हैं. तो first of all physical layer में bit stream over the physical medium तो transmit होता है. डेटा लिंक लेयर में इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन अ नेटवर्क. तो यहाँ पे आते फ्रेम्स के इसमें. नेटवर्क लेयर विच डिसाइड्स द फिजिकल पाथ ऑफ डेटा विल टेक. कौन सा फिजिकल पाथ डेटा लेगा ये डिसाइड होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी यूडीपी. टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. Session layer maintains connection and it is completely responsible for controlling the ports and the sessions. Presentation layer ensures that the data is in usable format and the data encryption occurs. So presentation layer mein encryption decryption hota hai. Application layer, it is an human computer interaction layer where the application can access the network services. To yahan pe bits aate hain, यहाँ पे पैकेट्स आते हैं. मशीन लैंग्वेज समटाइम्स रेफर्ड एज अ बाइनरी लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन टू सेवन इमेज. डॉट जेपीजी है, जेपीजी है और पीएनजी है. दीज आर सम. बीएमएफ भी है. एस रैम रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली. वॉट डज द एस रिप्रेजेंट? स्टैटिक रैम. स्टैटिक रैम जो है वो जब तक पावर है इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप और यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है बार बार. वाइल वर्किंग इन अ मेल वी मे केम अंडर बीसीसी. वॉट डज बी रिप्रेजेंट? तो वहाँ पे दो पोर्शन रहते हैं, सीसी और बीसीसी. सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी. What is BIOS? It stands for Basic Input Output System. These are the program a personal computer's microprocessor used to get the computer system started after you turn it on. What are the actual data contained in the database at a particular point of line? It is instances. A set of possible data values is called as domain. It's called as domain. Which one defines how the data are actually stored and organized on the storage medium? It is physical level. तो तीन level रहते हैं, physical level, view level, logical level. तो logical level जो define करता है what type of data is stored in the database and the relationship between the data without affecting to the physical level. तो इसको ही conceptual level भी बोलते हैं. If we want to eliminate the duplicate values then which keyword to be used? It is distinct. तो distinct values जो है अगर हम लोगों को duplicate values जो है वो eliminate करना है तो हम लोग distinct values यही word use करते हैं.
इफ कॉन्फिग्ड करेक्टली हु विल प्रिवेंट द इंट्रैक्शन विद द कंप्यूटर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इट इज अ स्क्रीन सेवर विच वन इज द कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक नॉन प्रीएम्प्टिव सर्कुलर वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन पार्शियल कोलिजन तो बेसिकली वॉट इज डेडलॉक तो डेडलॉक ये ऐसा है सपोज देर आर टू प्रोसेसेस एंड टू रिसोर्सेस तो प्रोसेस ए ने जो है वो रिसोर्स वन को होल्ड किया है और उसको रिसोर्स टू भी चाहिए प्रोसेस बी का भी यही है मतलब दोनों को एक ही चीज चाहिए बट दोनों भी एक दूसरे को नहीं दे रहे तो ये जो कंडीशन होती है वो डेडलॉक कंडीशन होती है तो कंडीशंस कौन से हैं प्रीएम्प्टिव नॉन सर्कुलर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शियल एलोकेशन डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन ट्रैश 30 डेज के लिए रहते हैं Which is the another name for the functional language? It is application language. What is an artificial language designed to communicate instructions to a computer? Programming language. This is a standard way of web server to pass a web user's request and application program and to receive data back to forward the user. So, ये एक standard way है web server के लिए जो कि pass करता है user वेब यूजर को रिक्वेस्ट टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और रिसीव भी करता है डेटा यूजर के थ्रू इसको बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर यूजर्स हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम्स दे यूज शेयरवेयर मॉडेम इज मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक इंसर्ट पिक्चर क्लिक आर्ट इट ओपन्स क्लिक आर्ट टास्क बार File record length, it should be variable. In which printer, printing is achieved by deflecting laser beam on the photosynthetic surface of a drum. It's laser printer. The effect of a rollback command in a transaction is following. Rollback command kya hai? It actually undo all the changes to the database which results from the execution of the transaction. Agar kuch data jo hai, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन के टाइम पे कुछ गया रहता है तो वो जो भी चेंजेस गया रहता है इन द सेंस सम चेंज हुए रहता है तो वो सब जो चेंजेस है वो अंडू करने के लिए रोल बैक कमांड यूज करते हैं विच वन अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री इट्स जॉयस्टिक जो गेमिंग में यूज होता है मोस्टली कैप्स लॉक नम लॉक इज कॉल्ड एज अ टॉगल की और शिफ्ट कंट्रोल ये सब कौन से की है वो मुझे आप बताना और F1 टू F12 ये सब जो है फंक्शनल कीज है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इट्स कंट्रोल जे एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव टू द डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक मूव एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिस्प्ले बोथ द क्वेरी एंड आउटपुट इट्स आर कमांड A system is a small wireless handheld computer that scans an item's tag and pulls up the current price as you shop. तो हम लोग कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं बिग बाजार इज अ कॉमन एग्जाम्पल तो हमने शॉपिंग करते समय क्लोथ्स लिए रहते हैं तो उसके पीछे एक कुछ टैग रहता है तो वो सब कौन सा सिस्टम जो है वो यूज होता है स्कैन करता है PSS करके बोलते हैं उसको PSS. POS जो है मर्चेंट और कस्टमर के बीच में यूज होता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा माइनिंग जो है इट कन्वर्ट्स द वैल्यूएबल नॉलेज टू द रॉ डेटा विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इट्स मशीन लैंग्वेज द स्पीड ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन पिको सेकेंड इट्स फोर्थ द स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन पिको सेकेंड्स Which operating system is used in third generation GAP? It's real-time operating system. यहाँ third generation में programming language भी शुरू हुआ था use होने के लिए. The main memory is also called as a primary memory, which one holds a block of data that read and write at the one time. It's sector. So sector holds the block of data which reads and write the same time. The rate at which data is written to the disk and read from the disk it is data transfer rate which one record data bits as a tiny magnetic spots its track
which one is used in a program to execute a particular set of statements repeatedly, looping. तो इसमें आता है while loop, do while loop. तो statement repeatedly execute करने के लिए ये statements use होते हैं. और एक बात बताओ तो 1 byte is equal to 8 bit. 8 bit. 1 MB is equal to 1024 KB. 1024 kilobyte. 1 GB is equal to 1024 MB. And 1 byte is equal to 8 bit. Thank you so much for watching my video. Please subscribe कीजिए मेरा channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.